सरकार ही कैसे 2019 से पहले अपने लिए गेम चेंजर योजना ला रही है, इस पर बड़ी खबर आपको देने, जिसके तहत हर उस नागरिक को तयशुदा रकम दी जाएगी जिसके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है। सरकार यूनिवर्सल स्कीम की तैयारी में है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। इसे यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम कहा जा रहा है। जीरो इनकम वाले लोगों के खाते में सीधे जाएगी सरकारी रकम, यानी जिनके पास कोई जरिया नहीं है कमाई का, ऐसे में उन लोगों को मदद दी जाएगी, जिसके तहत एक तयशुदा रकम सरकार उन लोगों के खातों में सीधे पहुंचाएगी। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ये नई योजना ला सकती है। किसानों के लिए भी कर्ज और फसल नुकसान पर नई योजनाएं आ सकती हैं, सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है। यूनिवर्सल स्कीम इसे कहा जा रहा है, जीरो इनकम के लिए, यानी जिन लोगों के पास कमाई का कोई जरिया नहीं है, ऐसे में सरकारी मदद उन्हें मिलेगी जिसके तहत उनके खातों में रकम सीधे पहुंचाई जाएगी। एक तयशुदा रकम ये हो सकती है। तो समझिए 2019 से पहले ये एक अहम कदम सरकार का है। गेम चेंजर प्लान भी इसे कहा जा रहा है, क्योंकि ऐसे लोग जिनके पास कमाई का जरिया नहीं, जो अपने परिवार को पालने में सक्षम नहीं, अब इसका दायरा कितना बड़ा होगा इस पर और डिटेल्स जब आएंगी वो आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई स्कीम लाई जा सकती है, इस तरह की खबर मिल रही है।